गोरखपुर ऑब्स एवं गैनिक सोसाइटी के तत्वावधान में 2 से 4 अगस्त तक गोरखपुर में सेविंग मदर्स पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी देते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर साधना गुप्ता ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में यूके, बांग्लादेश, नेपाल व समूचे भारत के प्रत्येक भाग से विशेषज्ञ अपने तकनीकी और नवीनतम ज्ञान से प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि सेविंग मदर पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में शिशु एवं मातृ के मृत्यु दर में कमी आएगी और चिकित्सक नई तकनीकी का ज्ञान प्राप्त कर मरीज को उचित इलाज करने में सक्षम होंगे। डॉक्टर साधना गुप्ता ने बताया कि अल्ट्रासाउंड के नए आयामों का कार्यक्रम में दिखाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए ऑब्स एवं गायनिक सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर साधना गुप्ता ने कहा, ये जो हम आगामी 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस सेविंग मदर्स थीम पे कर रहे हैं, जो कि गोरखपुर ऑब्स गायनी सोसाइटी, फेडरेशन ऑफ ऑब्स गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉक्सी के तत्वाधान में कर रही है, और ये कॉन्फ्रेंस दक्षिण एशिया देशों की संस्था सेफॉक द्वारा भी संस्तुत है। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग हम 400 से 500 प्रतिभागियों के आने की उम्मीद कर रहे हैं, और जो विशेषज्ञ हैं वो पूरे देश के हर कोने से, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, सब तरह से, और बाहर से भी, जैसे बांग्लादेश, नेपाल और यूके से और श्रीलंका से आ रहे हैं। वो सभी विशेषज्ञ अपनी नवीनतम जानकारी, नवीनतम तकनीक, विभिन्न सब स्पेशलिटीज़ और सुपर स्पेशलिटीज़, जैसे कि मैटरनल फीटल मेडिसिन, क्रिटिकल केयर, मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट, सब पे अपने अनुभव और अपने ज्ञान और अपनी तकनीक से सारे प्रतिभागियों को लाभान्वित करेंगे। इसके अलावा विभिन्न संस्थाएं जो कि मातृत्व और शिशु के क्षेत्र में काम करती हैं, जैसे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशन, जिपैगो, एनजीओज जो कि विभिन्न देशों में ऑब्स्टेट्रिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर के तबके में काम करते हैं, वो लोग भी सक्रियता से इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं, जिससे कि हम उस अनुभव का लाभ उठा के देश के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ प्रोग्राम्स को उनसे सीख सकें कि हम किस तरह से मातृत्व और शिशु के स्वास्थ्य को अच्छे से अच्छा करने में किस तरह से काम कर सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य कई इसके पहलू हैं। पहली चीज़ ये कि अब प्रसूति व स्त्री रोग, जो माताएं जब गर्भावस्था से गुजरती हैं, जो समय 15 या 10 साल पहले था, उससे स्वास्थ्य की परेशानियां और लोगों की अपेक्षाएं दोनों ही बहुत बदल चुकी हैं। अब हम न केवल माता बल्कि गर्भस्थ शिशु के बारे में भी बहुत गहराई से देखते हैं, और उसको समय पे प्रसव कराना, उसकी विकृतियों का पता चलाना, उसका ट्रीटमेंट करना, तो 3 जो हमारी कार्यशालाएँ हैं वो उस सब स्पेशलिटीज़ पर आधारित हैं, जैसे मैटरनल फीटल मेडिसिन, क्रिटिकल केयर इन ऑब्स्टेट्रिक्स, क्योंकि गर्भावस्था में ये 10 से 15% गंभीर रूप से बीमार हो जाती है और उसको हम कई बार रोक नहीं सकते, जैसे बहुत उच्च रक्तचाप होना, पीलिया आना, झटके आना, मधुमेह होना, और इन क्षेत्रों में हमको मल्टीडिसिप्लिनरी, जैसे फिजिशियन, इंटेंसिविस्ट, एनेस्थेटिस्ट, सबके सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा एक सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये है कि हम डेलीगेट्स को जो भी ऑब्स्टेट्रिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन नवीनतम जानकारियों की तकनीक और कौशल, क्योंकि सभी में हम लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए सेशन हम लोगों ने रखा है, उसको हम प्रेषित करें, जिससे कि वो अपने मरीजों को उस तकनीक का, उस ज्ञान का फ़ायदा उठा सकें। जो मल्टीडिसिप्लिनरी हैं, जैसे फिजिशियन है, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन है, नियोनेटोलॉजिस्ट हैं, उनको हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, उनको शामिल कर रहे हैं, जिससे कि मिलजुल कर काम कर सकें और हम एक फोकस ढंग से माताओं के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। तीसरा काम है कि जब हमारे जो विभिन्न गर्भावस्था में जटिलताएं होती हैं, उसके जो मैनेजमेंट है वो समय समय पर बदलते रहते हैं, और सारे प्रतिभागी ये जाने कि आज की नवीनतम रिकमेंडेशन क्या है, नवीनतम जानकारी क्या है। इस कॉन्फ्रेंस में हमने 3-4 स्पेशल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सेशंस रखे हैं, जैसे कि RCOG, रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स गायनी, जेस्टोसिस जो कि गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप पे काम करती है, इसके अलावा मान्यता सेशन, ISAR सेशन जो कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, वो सेफ रहे बच्चे के लिए भी और माँ के लिए। तो इसमें बहुत गहराई से
सभी बिंदुओं पे विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें ऑरेशन है जो लंदन के डॉक्टर एस अरुल कुमारन, डॉक्टर नंदिता पालशितकर बॉम्बे की जो फॉक्सी प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर संजय गुप्ते जो जेस्टोसिस के सेक्रेटरी जनरल हैं, डॉक्टर पीसी महापात्रा जो पास फॉक्सी प्रेसिडेंट हैं, वो अपने विशेष संभाषण देंगे कि आज की दुनिया में हम मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में कहाँ तक पहुँचे हैं। पब्लिक फोरम और सोशल वॉक हम लोग इसमें आयोजित कर रहे हैं, जिसमें मीडिया, न्याय, समाज सेवी संस्थाएँ, एडमिनिस्ट्रेटर्स और सभी तरह के लोगों से बातचीत करेंगे कि मातृत्व और शिशु का स्वास्थ्य केवल डॉक्टर्स और हेल्थ सिस्टम का काम नहीं है, ये समाज के हर जना का काम है। तो इसके कई पहलू हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो संस्थात्मक हो, हर तरह के पहलू को हमने इस कॉन्फ्रेंस में शामिल किया है। और हमने कोशिश की है कि जो लोग इस विषय में, इस क्षेत्र में बहुत गहराई से और बहुत सालों से विभिन्न जगहों पे काम कर रहे हैं, जैसे दक्षिण भारत में यहाँ की अपेक्षा मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य की हेल्थ स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी है, तो दक्षिण भारत से बहुत सारे लोग विशेषज्ञ आ रहे हैं, जिससे कि हम ये जान सकें कि उन्होंने वहाँ पे क्या किया जो हम इस क्षेत्र में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।